सो गाइस फाइनली आ गया है सब लोग, यहाँ पे पीछे देख सकते हो। और अभी जो है मज़ा आने वाला है, हम तीन ही लोग हैं, तीन राइडर्स, बाकी काफ़ी सही दिख रहे गाइस। अभी मैंने पिछले ब्लॉग पे जो है रात में दिखाया था, अभी दिन में दिखा रहा हूँ, और दिन में जो है काफ़ी ग्लो कर रहा है, काफ़ी शाइन कर रहा है भाई। R1 बाइक चलाने का मज़ा ही कुछ और है, स्पोर्ट्स बाइक का फील एकदम आ जाता है। और यहाँ पे बहुत सारे लड़कियाँ स्कूल से निकलते हुए काफ़ी अच्छा अच्छा रिएक्शन मिल रहा है। मतलब मेरा वीडियो देखा था पहले? अच्छा अच्छा, मतलब किसी ने शेयर किया था क्या? यूट्यूब में मिल गया था। हाँ अच्छा 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 अच्छा, चलो थैंक यू सो मच आप लोगों का, आप लोगों ने बताया तो शेयर करना लोगों को भी, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे जो है एक बच्चे का फोटो खींचेंगे अभी यहाँ पे। मैं कहीं कहीं ना सड़ी सड़ी रील देखती हूँ ना, तो बहुत मतलब वो होती है इसकी इसकी मम्मी की है ना, इतनी मतलब इतनी अच्छी अच्छी रील बनाती है ना। अच्छा अच्छा, पर इतने पॉपुलर नहीं होती है। दिखाई ये तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप सब लोग, आए कैसे बच्चे होंगे। तो आज जो है कुछ अलग अलग दिख रहा होगा कि मेरे जितने भी ब्लॉग्स हैं उसमें जो मैंने आज तक कभी नहीं दिखाया कि हुडी पहन के जो ब्लॉग कर रहा हूँ। ये एक्चुअली मेरा लाइफ का फर्स्ट हुडी है जो मैंने एक दो महीने पहले लिया था, लेकिन लगा नहीं पाया ड्यूटी के टाइम, क्योंकि ड्यूटी जाता हूँ तो टाइम नहीं मिल रहा था लगाने का। तो आज जो है वही मेरा वीक ऑफ है, तो आज टाइम भी मिल गया लगाने का। और ये कलर जो है मुझे काफ़ी सही लगा था, तो ये वाला लेकर आ गया स्काई ब्लू। तो अभी जो है थोड़ा लेट हो गया फटाफट, और चलते हैं एक ब्लॉग बनाने के लिए। और अपना साथ जो है यार अब्दुल भाई आएगा, और सुमन भाई से भी आप लोग को मिलाता हूँ, जिसने मतलब उनको देखा नहीं, तो उनका MT-15 जो है मॉडिफाइड MT-15 है, बहुत ही सुंदर है। तो आप लोग को चलो दिखाते हैं, और आज मतलब बहुत दिनों के बाद उनसे मिल रहा हूँ, तो काफ़ी अच्छा लगने वाला है, और ब्लॉग जो मज़ा आने वाला है वो मेरा बाइक का और उसका बाइक का जो है राइड कॉम्पिटिशन ऐसा कुछ करेंगे। मैं तीनों बाइक का करूँगा, मेरा बाइक अब्दुल भाई का R15 B3 और MT-15 BS6। चलो चलते हैं गाइस, मोटो ब्लॉगिंग पे मिलते हैं। तो सो गाइस फाइनली आ गया है सब लोग, यहाँ पे पीछे देख सकते हो। और अभी जो है मज़ा आने वाला है, हम तीन ही लोग हैं, तीन राइडर्स, बाकी बिलियन नहीं है। तो ये राइड करेंगे छोटा सा, तो मज़ा भी आने वाला है, थोड़ा देखेंगे किस तरफ जाना है। अभी तक सोच रहे एयरपोर्ट की तरफ जाएंगे, तो देखा जाएगा, आप लोगों को भी देखने को मिल जाएगा। और इन तीन बाइक जो है, तीन बाइकों में से तीनों बाइक मैं चलाने वाला हूँ आज, आप लोगों को दिखाऊँगा तीनों बाइक में मोटो ब्लॉगिंग करके। तो चलो पहले मिला रहे थे उन सबसे। तो पहले गाइस बाइक देख लो एक बार, ये है सुमन बाइक का MT-15 मॉडिफाइड जो है, काफ़ी सही दिख रहा है गाइस। अभी मैंने पिछले ब्लॉग पे जो है रात में दिखाया था, अभी दिन में दिखा रहा हूँ, दिन में जो है काफ़ी ग्लो कर रहा है, काफ़ी शाइन कर रहा है। ये देख सकते हो टॉप बॉक्स वगैरह लगा हुआ है, वाइजर और ये हैंडगार्ड सब कुछ लगा हुआ है, मतलब सब लगा हुआ है जो भी चाहिए। और यहाँ पे देख सकते हो ये ग्राफिक्स, और यहाँ पे कुछ स्टिकर्स, बेल्ट, नोट बोर्ड, ये खुद उन्होंने बिल्ड किया है, सब कुछ खुद लगाया है उनको, मतलब सब आता है लगाना, तो ऐसा कुछ दिखता है। और ये रहा अब्दुल भाई का R15 B3, पिछले ब्लॉक पे भी हम लोग गए थे साथ में राइड पे। और ये रहा अपना परी, और तो चलो ये रहा दो राइडर्स, और सुमन भाई और अब्दुल भाई। आज एक काम करते सब, मतलब बदल बदल के बाइक चलाएंगे सबका, मतलब एक आदमी तीन बाइक चलाएगा, बदल बदल के सब चलाएंगे आज, मज़ा लेंगे। तो चलो गाइस अभी जो चलते हैं, और मोटो ब्लॉगिंग सेटअप पे मिलते हैं। सो लेट्स गो गाइस, चलो चलते हैं और राइड शुरू करते हैं। हम तीनों जा रहे हैं अभी, तो बहुत बहुत धूप भी है गाइस, धूप तो भाई पूछो ही मत, काफ़ी धूप है अभी, ऐसा लग रहा है विंटर सीजन जो है चला जा रहा है, अभी समर सीजन आने वाला है। तो काफ़ी अच्छा लगता है ऐसे दोस्तों के साथ राइड रूट पे निकलना, ज़्यादा नहीं होने से भी दो तीन भी सही है, तो और डिफरेंट डिफरेंट बाइक से तो मज़ा आ जाता है उसमें और भी चलाने को, डिफरेंट डिफरेंट बाइक चलाने का मौका मिल जाता है, अलग अलग हम लोग चेंज कर करके चलाएंगे, ऐसा करेंगे। तो गाइस फिलहाल हम लोग पहुंच गए हाईवे मेन रोड पे, और यहाँ पे जो है सुमन भाई आगे चला गया और अब्दुल भाई मेरे सामने है, और हम दोनों के बीच में एक कार है यहाँ पे,
वो कार जो मुझे अभी अभी ओवरटेक करके चला गया लेकिन कोई नहीं, अब्दुल भाई को जो है थोड़ा बाइक का जो टायर प्रेशर है वो चेक करवाना है, उनको लगता है कि उनका टायर प्रेशर काफ़ी कम है, तो राइड जाने से पहले जो है ये सब तो चेक करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग लीन वगैरह मारेंगे थोड़ा बहुत तो मतलब टायर प्रेशर अच्छा नहीं होने से बाद में कंफर्टेबल नहीं हो पाता है, तो वही है शायद यहाँ पे एक मिल जाएगा। हम लोग पहुँच गए कचाकांदी मंदिर के वहाँ पे, और यहाँ पे स्कूल लड़कियों का बच्चियों का रिएक्शन काफ़ी अच्छा मिल रहा है और लोगों का भी, तो यही है हम लोगों का मतलब मज़ा, रिएक्शन अच्छा खासा मिलता है ऐसे ग्रुप में जाने से तो मज़ा आ जाता है, और यहाँ पे बहुत सारे लड़कियाँ स्कूल से निकलते हुए काफ़ी अच्छा अच्छा रिएक्शन मिल रहा है तो ये आ गया हम लोग एक पॉइंट पे, इधर से जो है लेफ्ट साइड पे उधारबन सॉरी एयरपोर्ट के एयरपोर्ट का रास्ता होगा तो उस तरफ जाएंगे हम लोग, और यहाँ पे जो पॉइंट है इसलिए थोड़ा बहुत जैम लग जाता है। मेरा ब्रेक वैसे भी ठीक नहीं, और ये लोग ना भाई बीच में ऐसा नाटक करते ना, चलाने तो चलाओ या फिर रुकना है तो रुको, ये क्या कर रहा था लड़का, अरे रुक जाओ बच्चियों। अरे भाई ब्रेक ही नहीं लग रहा है मेरा मुझे इसको जो फिर से खोल के जो है घिसना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं था, अगर ये पहले चला जाता तो बाद में मैं ओवरटेक ही नहीं कर पाता, तो इसलिए मैं पहले ही निकल गया, बुरा मत मानना आप लोग थोड़ा रेस ड्राइविंग कर रहा हूँ बोल के, क्योंकि आज ग्रुप के साथ मिला हूँ तो थोड़ा बहुत ये सब तो बनता है गाइस। मज़ा आ गया इस तरफ आके, थोड़ा फ्रेश लग रहा है, और अभी एयरपोर्ट भी पहुंचने ही वाला है, एयरपोर्ट रोड जो है काफ़ी सही है, उस समय जो मैं शायद 415 चलाऊंगा तो बहुत ही मज़ा आने वाला है सो गाइस चलो अभी चलते हैं, मैं अभी फ़िलहाल R15 चलाऊंगा B3, और अपना सुमेन भाई चला रहा है मेरा हॉर्नेट अपरी, और अब्दुल भाई चलाएंगे MT, तो बदल के जो है अभी बाइक चलाने वाले, तो भाई R15 पे बैठ के तो कुछ अलग ही फील आ रहा है बहुत दिनों बाद R15 चलाने वाला हूँ, और क्वालिटी पिक ये थोड़ा सेटिंग्स जो है थोड़ा बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये लीन करके थोड़ा झुक के चलाना पड़ता है, तो थोड़ा ऊपर की तरफ रखूँगा ताकि कैमरा जो एंगल है अच्छा है, अभी सही आ रहा है आई गेस यस। अभी चलो गाइस निकलते हैं स्टार्ट, सब ओके है, अरे लेट्स गो गाइस। भाई R15 चलाने का मज़ा ही कुछ और है, स्पोर्ट्स बाइक का फील एकदम आ जाता है जैसे कि होता है ना BMW कावासाकी ZX ट्रेनर, ये सब का फील एक आता है। काफी सही आ रहा है गाइस, काफी अच्छा लग रहा है R15 चला के और इस हुडी में तो भाई बहुत ही मस्त दिख रहा है R15 के साथ एकदम क्या बोलूं, जबरदस्त, मैं खुद ही अपना तारीफ कर रहा हूँ R15 से लीन मारने का मजा ही कुछ और है गाइस, नेकेड में वो नहीं है। कोई सारा है कि नहीं, आवाज सुनने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है मेरा हिंदी को क्या, अरे भाई क्या लीन मारे है, हम भी मारते क्या लीन मारा भाई
अब्दुल भाई तो भाई मजा ले रहा है एमटी का। इसे कहते हैं लीन, मजा आ गया R15 से लीन मार के। सो गाइस यहाँ पे जो एक प्लेन का आवाज सुनाई दे रहा है, टेक ऑफ करने वाला है ये देखो। मजा आ गया। सो गाइस अभी जो है आप लोगों को एक प्लेन दिखाया था तो काफ़ी सही लगा गाइस। मैं पहली बार जो इतना नज़दीक से प्लेन देख रहा हूँ तो काफ़ी अच्छा लगा। मैं पहले भी आया था 2-3 बार यहाँ पे ये मोमेंट कैप्चर करने के लिए, लेकिन मतलब जो है कभी हो नहीं पाया, टाइमिंग जो है कभी मिला नहीं। आज जो है फाइनली जो वो टाइमिंग मिल गया और यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत रोड है सिलचर एयरपोर्ट के, क्या बोलो उन लोगों का जो यहाँ पे काम करते हैं या फिर गांव है कुछ है यहाँ पे अथॉरिटी, मतलब जो मेंबर्स होते हैं काम करते हैं उन लोगों का क्वार्टर कुछ है पीछे की तरफ। यहाँ पे पूरा एरिया देख सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग रुके हैं कुछ रील्स वील्स बनाने के लिए, यहाँ पे भाई लोग बना रहे हैं, मेरा भी बन चुका है 2 रील्स। तो आप लोग को जो है रील्स देखने के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो करना पड़ेगा, इंस्टाग्राम जो है डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा आप लोगों को। अभी जो है यहाँ पे थोड़ा बहुत रील्स वील्स बनाएंगे, फोटो वोटो खींचेंगे, काफ़ी सही दिख रहा है ये गाइस जगह जो है, पूरा सनलाइट भी उस तरफ से आ रहा है धूप। तो यहाँ पे फोटो वोटो खींचेंगे फिर उसके बाद निकलेंगे और निकलने के बाद देखेंगे क्या करना है, आप लोगों को अपडेट देते रहूँगा, देखने को मिल जाएगा। तो गाइस यहाँ पे जो है एक बच्चे का फोटो खींचेंगे अभी यहाँ पे। तुम्हारा फोन से किस दो मैं तरह अच्छा अच्छा कहा रो रहा है। डर गया हाँ। अच्छा अच्छा यूट्यूब पे जो ऐसे ही होता है ना उसमें वो करके हमारा नाम डाल सकते हो। आप किस बारे में किस चीज की मतलब किस किस नहीं ये तो ऐसे ही ब्लॉग बनाते हैं, ब्लॉग बनाते हैं ऐसे लोग मिलते हैं। अभी भी बना रहा हूँ तो ऐसा मतलब आंटी का क्लिप लिया क्या तुमने? हाँ अभी भी ले रहा हूँ, इसका चैनल पे आप देख सकते हो। हाँ ठीक है जी जी हेलो। तो गाइस यहाँ पे जो है एक आंटी भी मिल गया, तो यहाँ पे उन लोग का मतलब जॉब वगैरह करते हैं, यहाँ पे क्वार्टर पे रहते हैं। तो इनका बच्चा जो डर गया फोटो खींचने के लिए। मेरा ये चैनल सर्च करने से यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको। नहीं जैसे हमारे बाबू को है ना, हाँ। जैसे लोगों के ना बहुत बहुत व्यूज आते हैं, हाँ। जो मैं मेरे उसकी बहुत अच्छी अच्छी रील्स पर व्यूज इतने नहीं आते हैं। अच्छा इंस्टा पे डालते हो? उसका मतलब थोड़ा टैग वगैरह डालना पड़ेगा। टैग कैसे? जैसे आप लोगों को टैग करें? नहीं नहीं हम लोग डर गया एकदम। रोज रोज देखने से बच्चे वो हो जाते हैं। भैया बैठो, बैठ जाओ बैठ जाओ। नानी बैठ। ये क्या है, ये क्या हो रहा है? बैठो मैं बैठ जाऊं? नहीं बूढ़ी आंटी बाइक चला रही है। ये देखो डर रहा है, बहुत डर गया। सो गाइस यहाँ पे जो है 2 भाई मिल गए सब्सक्राइबर एयरपोर्ट के साइड पे। तो भाई का नाम क्या है? साहिल। और इनका? सनी। तो आप लोग स्कूल से आ रहे हैं अभी? हाँ। अच्छा अभी घर जा रहे हैं? यहाँ के यहाँ पे ही रहते हो? अच्छा 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 मुझे मतलब मेरा वीडियो देखा था पहले। अच्छा अच्छा मतलब किसी ने शेयर किया था क्या? यूट्यूब पे मिल गया था। अच्छा 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 चलो थैंक यू सो मच आप लोगों का, आप लोगों ने बताया तो शेयर करना लोगों को भी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो पे आप लोग भी आ जाएंगे ब्लॉग पे। तो चलो भाई मिलते हैं, शेयर करना जरूर। हाँ ठीक है भाई, हाँ बाय। सो गाइस बिहाइंड द सीन्स यहाँ पे शुरू होता है। ये मेरा बाइक पे बच्चा बैठ गया, पता नहीं किसका बच्चे है। ये वाला बाइक खत्म हो गया, अभी थर्ड बाइक पे चल रहा है यहाँ पे फोटो शूटिंग लोगों का। अमित भाई सो गाइस ये देख सकते हो अभी फोटो वोटो खींच ले, तो ये अभी भी मतलब कंफर्टेबल नहीं हो रहा है हम लोग के साथ क्योंकि पहली बार देख रहे हैं। और इनके नानी जी है तो ये भी ब्लॉग पे आ गई है और इनका मम्मी उस साइड पे है। तो इनका भी मतलब इंस्टा का ये चैनल है तो उधर पे रील्स वगैरह डालते हैं आप लोग। यहाँ पे इंस्टा पेज में फ़ोटो दे दूंगा यहाँ पे स्क्रीन पे, आप लोग देख लीजिएगा।
तो आप लोग ज़रूर उनके जाके जो है फॉलो कर लीजिएगा और देखना सब वीडियो जो है इस बच्चे का सब आएगा, आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। तो अभी फ़िलहाल इसको बाय बोलते हैं और हम लोग भी जो है यहाँ से निकलने का मतलब सोचते हैं, निकलते हैं यहाँ से। सो गाइस अभी जो है मैं चला रहा हूँ MT15, हम लोगों ने गाड़ी बदल दिया है। मेरा गाड़ी जो है ये अब्दुल भाई को दे दिया, मैंने पहले ही बोला था कि मैं तीनों बाइक का मतलब चला के दिखाऊंगा आप लोगों को। तो दोनों बाइक तो चला लिया है, अपना और R15 भी चला लिया है। अभी इसका बारी है MT का, चलो चलते। तो जैसे मैंने हॉर्नेट चॉइस किया था, लेकिन ये काफ़ी सही बाइक है यार MT। अब्दुल भाई को देखो मज़ा ले रहा है नेकेड बाइक का। अरे भाई सुमेन भाई जो कॉर्नरिंग करते जा रहा है अब्दुल भाई के भीतरी में, तो गाइस अभी जो है हम लोग आके जो है कहीं पे रुके हैं उदारबन के, उदारबन तो मैंने नहीं पहुँचे, एयरपोर्ट जाने का जो टर्निंग है उधर पे रुके हैं। और अभी जो है यहाँ से जाके जो हम लोग थोड़ा बहुत लंच वंच करेंगे, अभी तो कुछ नहीं खाया, भूख तो बहुत ही लग गया है। और यहाँ पे जो है सुमन भाई ने भी वीडियो जो है एंडिंग कर दिया है और काफ़ी अच्छा लगा गाइस। आप लोग भी जो है कमेंट करके बताना आप लोग को आज का ब्लॉग कैसा लगा, पूरा यूनिक है, जितने भी मैंने ब्लॉग्स बनाए हैं सबसे यूनिक है आज का ब्लॉग। सब्सक्राइबर का मिलना, फिर बच्चे के साथ ये सब वीडियो वीडियो करना, रील्स बनाना, फोटो वगैरह खींचना, दूसरे लोगों से जान पहचान करना, ये सब जो है मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है। और आज का दिन जो है काफ़ी अच्छा गया है ना अब्दुल भाई, आज का राइट। और ये रहा सुमेन भाई, दो आए दो अच्छे आए थे, मैं पहले ऑन नहीं था, बाद में ऑन किया और बोला कि फिर से ऑन करके एक थोड़ा बना देते, तो ऐसा करके बनाया, पहले ही वो आ गए थे। तो अभी जो है इस वीडियो को ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं अगले ब्लॉग पे। एक बार बाय बोल दो तुम दोनों भी, एक बार बाय बोल दो, बाय बाय गाइस। अमित भाई का वीडियो और सुमन भाई का भी देखना, सुमन भाई का भी देख लेना SM46 TV, तो हाँ चेक करना, राइट रिव्यू सब मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग पे गाइस, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।